वैसे तो आजकल हम सब किसी भी चीज़ को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, फैन हो या एसी। मगर सोचिए, अगर आप अपने पॉकेट वॉलेट में रखे हुए हार्ड कैश बैंक नोट्स को मोबाइल से कंट्रोल कर पाओ तो क्या होगा? सुनने में मज़ेदार है, मगर ये जल्दी सच होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी के बारे में सुना या सोचा है? वैसे तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खरीदने या बेचने के लिए कैश बैंक नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर सोचिए अगर हमें पॉकेट्स में बैंक नोट्स कैरी ही ना करना पड़े तो। अगर हार्ड कैश बैंक नोट्स की जगह हम अपने मोबाइल फ़ोन से बैंक नोट्स किसी को दे पाए तो। हो सकता है सुनने में यह किसी को मज़ेदार या किसी को अटपटा लगे, मगर शायद आने वाले फ्यूचर में हमें कैश कैरी करने का टेंशन ही ना लेना पड़े, मगर वो सेम कैश हमारे मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल हो। इसी फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन को देखते हुए हाल ही में हमारे देश भारत में 1 नवंबर 2022 को डिजिटल रुपी लॉन्च किया गया है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी के बारे में पहली बार सुन रहे हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिजिटल रुपी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या, इसे क्यों लॉन्च किया गया, इससे हमें और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा या नुकसान है, और इसका फ्यूचर क्या है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डिजिटल रुपी या ई रुपी है क्या। डिजिटल रुपी या ई रुपी और कुछ नहीं बल्कि इंडियन रुपी का टोकनाइज डिजिटल वर्जन है। डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यूज करता है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिप्टो करेंसी अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है। बाकी बैंक नोट्स की तरह ही इसे भी RBI इशू करेगी, मगर थोड़े अलग तरीके से। RBI इसे एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC की तरह इशू करेगी। डिजिटल रुपी को भी बाकी बैंक नोट्स की तरह ही सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट करेगी और इसकी लायबिलिटी RBI के पास होगी, और साथ ही इन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से यूज किया जा सकेगा। RBI ने दो अलग डिजिटल रुपी लॉन्च किया है। पहला डिजिटल रुपी फॉर होलसेल, जिसमें केटरिंग से लेकर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तक के सारे इंटरबैंक सेटलमेंट्स होंगे, और दूसरा डिजिटल रुपी फॉर रिटेल, जिसमें कंज्यूमर और बाकी बिजनेसेस ट्रांजैक्शन आएंगे। अब ये जानना जरूरी है कि डिजिटल करेंसी को क्यों लॉन्च किया गया। हाल ही में इंडिया डिजिटल पेमेंट और ट्रांजेक्शन में वर्ल्ड लीडर बन गया। इस साल 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक टोटल 9192 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए, जिसकी वैल्यू करीब 2050 लाख करोड़ है। और साथ ही पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स भी काफी तेजी से और ह्यूज अमाउंट्स में होने लगे, जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। इन्हीं कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक प्रपोज्ड बिल के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स पे बैन लगाया, और साथ ही RBI को लीगल पावर दिया गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, डिजिटल करेंसी के ऊपर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको वो सभी कंट्रीज का नाम बताएंगे जो डिजिटल करेंसी में काम कर रहे हैं और अपना डिजिटल करेंसी आइदर लॉन्च कर चुके हैं या पायलट प्रोजेक्ट में चला रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि डिजिटल करेंसी काम कैसे करेगी। डिजिटल करेंसी डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहेगा। हमें डिजिटल करेंसी को बैंक से परचेस करना होगा, जो ऑटोमेटिकली डिजिटल वॉलेट में स्टोर हो जाएगी। आप इसे जिस डिनोमिनेशन में चाहे परचेस कर सकते हैं, 50 पैसे के कॉइन से लेकर 2000 रुपए तक। आप जब चाहें डिजिटल करेंसी को किसी को भेजने या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि ये आपके पास डिजिटल रुपी के रूप में रहेगा, आप जब चाहो इसे एक्चुअल हार्ड करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके इतने सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स सुनके तो ये लग रहा है कि यही हमारा फ्यूचर मनी है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम डिजिटल रुपी के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। RBI हर साल हजारों करोड़ रुपए बैंक नोट्स को प्रिंट करने में खर्च करती है। लास्ट ईयर 2021-22 में RBI ने 4984.80 करोड़ रुपए बैंक नोट्स को प्रिंट करने में खर्च किए थे। ये पैसे अल्टीमेटली जनरल पब्लिक, बिजनेसेस और बैंक्स के ही होते हैं। डिजिटल करेंसी से गवर्नमेंट को हर साल बैंक नोट्स प्रिंट ना करवाने से हजारों करोड़ की बचत होगी। डिजिटल करेंसी हमेशा के लिए फेक करेंसी और ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आज नकली नोट कोई भी प्रिंट कर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मगर डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा।
डिजिटल करेंसी इजियर पेमेंट ऑप्शन होने के साथ साथ इसे बड़ी आसानी से P2P यानी पर्सन टू पर्सन और P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट दोनों के साथ ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। नॉर्मल बैंक नोट्स लगातार यूज होने के वजह से कट फट जाते हैं और साथ ही ये जलाए भी जा सकते हैं, मगर डिजिटल करेंसी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। इसका मतलब आप इसे जब चाहे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इतने सारे फायदों के बीच में एक ड्रॉबैक ये भी है कि आज के समय में डिजिटल फ्रॉड भी बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि इतने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी भी उतनी ही तगड़ी हो। फिलहाल डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा है और गवर्नमेंट इससे रिलेटेड सभी डाटा टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रही है ताकि जो भी इश्यू या प्रॉब्लम आए उसे तत्काल ही सॉल्व कर एक सेफ मीडियम बनाया जा सके। फिलहाल RBI ने 4 बैंक्स को डिजिटल रुपी के लाइसेंस दिए हुए हैं, जिनमें SBI, यस बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक है और आने वाले समय में और भी बैंक्स को RBI आगे लाइसेंस देगी। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।